अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कराची फूड इज़, दिस इज़ अरबाज़ खान और आज हम मौजूद हैं कराची की दूसरी सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट और यहाँ पे हम एक यूनिक चीज़ ट्राई करने के लिए आए हैं, तो आपको डायरेक्ट उस चीज़ के बारे में दिखाते हैं, आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम, बस ठीक, आप सुनाएं। नाम बताइए सबसे पहले। अजहर अली। अजहर अली भाई कहाँ पर आए आप? मैं आया हूँ द दुबई अम्ब्रेला। द दुबई अम्ब्रेला में क्या सुने? मैं आया हूँ मिर्ची लिमका। मिर्ची लिमका कैसे है इनका? इनका बहुत बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन है जी। और कोई लिमका ट्राई करा है इनका आपने? मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दोबारा आएंगे आप इंशाल्लाह। एक दफा बोलते हैं कराची फूडीज को सब्सक्राइब करें। कराची फूडीज को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम मौजूद हैं दुबई अम्ब्रेला के फाउंडर्स के साथ, तो इनसे आपकी थोड़ी सी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम साद है। साद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसे आया कि एक सोडे की शॉप, वो भी जो है वो कार्ट व्हील के ऊपर जो ओपन की जाए, और आपने इसको कैसे एग्जीक्यूट किया? तो हमारा ये कार्ट का जो है ना बनाने का मकसद ये था हमारा और इनका कि अच्छी चीज़ लोगों को लिमकास में दे, क्योंकि हम जो फ्लेवर्स यूज़ कर रहे हैं वो के थोड़े से ब्रांडेड हैं, सही है, और अच्छे तरीके से इसको बन रहे हैं, अच्छे तरीके से हर चीज़ को मेकिंग पीछे बैकएंड पे जो काम हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, सही, और आगे भी इंशाल्लाह हमारी जो गोल्स हैं वो यही हैं कि जो है ना बहुत अच्छी तरीके से इसको हम दें। और सेकेंडली, हमारा ये जो स्पेशलिटी जो है हमारी मिर्ची मटका के नाम से, सही है, ये हमारी अपनी एक जो है ना वो है हमारी अपनी एक प्रोडक्शन है, सही है। तो अब प्रोडक्शन होने के बावजूद फिर लोग आते हैं मिर्ची का, बोलते हैं नहीं 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 यार मिर्ची नहीं पीना है, बट होता ये है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे डाइजेस्टिव, सही है। और दूसरा, हमारे पास जैसे लेमन अदरक है लोग पीते हैं, एसिडिटी हो रही है, लोग हमारे पास मिर्ची लिमका ऐसा आके ऐसे पीते हैं, एसिडिटी हो जाए मिर्ची मटका मिला, सही, तो ऐसे। और दूसरा, हमारे पास इंशाल्लाह बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो कि हमने लॉन्च करने हैं, सही है। और इस कार्ड का मकसद ये है कि द दुबई अम्ब्रेला के नाम से ये मकसद, दुबई अम्ब्रेला एक नाम रखने का मकसद ये है। अम्ब्रेला मीन्स ये जो है एक प्रोटेक्शन, बी पॉजिटिव, कि आपको प्रोटेक्ट करती है वो, सही है, मतलब इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है आपके? जी बिल्कुल। और दूसरा, द दुबई अम्ब्रेला नाम लिखने का मकसद यही था कि दुबई से रिलेटेड हमारे पास कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, सही है। और दूसरा, अम्ब्रेला का मीन्स ये कि बी पॉजिटिव, कि यार आपको एक चीज़ प्रोटेक्ट करती है, सही। तो मुझे एक चीज़ ये बताएं साथ ही कि आपकी ये जो आपने शॉप ओपन की है, ये इसको कितना टाइम हो गया? तकरीबन इसको
तकरीबन इसको एक साल से ऊपर हो, एक साल से ऊपर जी हाँ। तो मतलब लोगों की नज़रों में अब आया है थ्रू सोशल मीडिया, पहले इतना ज़्यादा जो है वो लोगों को नहीं मालूम था इस चीज़ के बारे में। काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोग व्लॉगर्स, काफ़ी लोग आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि यार ये इंग्रीडियंस हम कहाँ से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है सही, जो कि हमने चीज़ें लोगों को देनी है। इंशाल्लाह हमें ग्राउंड मिलेगा तो हम लोगों को बताएंगे कि यार हमारे पास क्या क्या चीज़ें, क्योंकि हमारे पास मिल्क शेक्स भी हैं सही है, जो कि हम मिल्क शेक्स यहाँ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे सही सही, उसके लिए कुछ चीज़ें हमें दुकान मौजूद होनी चाहिए उसके लिए। इंशाल्लाह प्रॉपर एक सेटअप जो है आपने एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करना है इंशाल्लाह। तो इसके लिए आप टाइमिंग्स वगैरह बताएं, कुछ अपने रेट्स वगैरह बताएं हमारे व्यूअर्स। हमारी जो टाइमिंग्स है वो नॉर्मली जो है वो 6 to 5 o'clock है सही है, 6 PM to 5 AM सही, ठीक है जी। और उसमें ये है कि तकरीबन उसमें और फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा सा ओपन स्क्रैच कर लेते हैं हम अपने आप को जी बिल्कुल। तो प्राइस वगैरह बताएंगे हमारे व्यूअर्स। प्राइस हमारी जो मिर्ची मटका के हैं ऑन स्पॉट जो है वो 150 rupees का हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेकंड जो है यहाँ पर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 200 rupees का जो पार्सल है, जो कि हम मटके में ही सर्विंग करते हैं, मटके में हम दे रहे हैं सही है। और मटके में जो हम देते हैं वो मतलब पार्सल के हिसाब से देते हैं सही। पार्सल तो अच्छा मुझे बता साथ आज हमें आप क्या ट्राई करवा रहे हैं? आज हम आपको मिर्ची मटका ट्राई करवा रहे हैं जो कि अभी हम बनाएंगे, जो आपकी स्पेशलिटी भी है। स्पेशलिटी हमारे सिग्नेचर है, सिग्नेचर्स हमारे तकरीबन 8 to 7 है सही है, जिसमें से आप एक मिर्ची मटका है सही है, दो तीन फ्लेवर्स हमारे पास और हैं, दुबई वलाडा के नाम से हमारे पास सही है, और एक जो है हमारे पास जो है स्पेशल फॉर यू के नाम से सही है, और एक बूस्टर के नाम से हम लिमका जो है ना वो करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं सही, ठीक है जी। बाकी ये है कि कोई मसला नहीं है, मेन्यू आपका हम जो है वो बिल्कुल क्या होता है हफ्ते को हम लोग स्मोक देते हैं, मतलब मटके में। अच्छा जी, मतलब हम लोग मटके में एक फ्लेवर आपने वो किया स्मोक फ्लेवर हमारे पास, जो कि हम आइस स्मोक के नाम से देते हैं सही। हाँ, तो हमारे साथ मौजूद है दुबई अम्ब्रेला के ओनर, और इनकी आपने बात सुनी अभी अभी, ये जो है हमें मिर्ची मटका ट्राई कराएंगे, तो हम उसको टेस्ट करते हैं, आपको उसका रिव्यू देते हैं, चलें आगे। ये क्या डाल रहे हो आप इसमें? ये मैं हमारे अपने ये सीरम है, ये हमारा अपना सीरम है। ये कौन सा फ्लेवर है? सही, ये अपना इसका सीरम। अच्छा अच्छा, आपने खुद बनाया है? जी जी, जो मिर्ची में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये स्पेशल है आपका बना हुआ? जी हाँ, सीक्रेट। जी हाँ भैया, और ये नॉर्मल लेमिनेट है, ठीक है सही है। और ये किसका अपना ओरिजिनल सीरम है जो कि मिर्ची में इस्तेमाल हो रहा है? ये भी सब जगह मिल जाता है, ये भी सीक्रेट है? ये भी सीक्रेट है सही, ठीक है जी। और ये आड़ू है, ये भी सब जगह मिल जाएगा? ये तो नॉर्मल सब जगह मिल जाएगा। और ये काला नमक? काला नमक हम पुट कर रहे हैं सही, ठीक है। नाउ आई विल पुट लेमन राइट नाउ। कितने लेमन आप इसमें आएंगे? लेमन इसके अंदर मैं एटलीस्ट 4 डालूंगा। 4 लेमन? 4 लेमन में इतने बड़े मटके में कम नहीं पड़ेंगे? बहुत होते हैं, वरना इससे ज़्यादा डालेंगे तो खट्टा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑलरेडी ये जो है ना इसके लेमन तो वैसे खट्टा ही होता है। ये हमारी अपनी जो इसके अंदर, ये तो नॉर्मल आपको लग रहा होगा अदरक है ये सही है? सही है, बट ये इट्स नॉट अदरक, ये जिंजर नहीं है, ये हमारी अपनी एक जो है ना चटनी है जो कि हम डाल रहे हैं, है इसके अंदर जिंजर मिक्स हुआ हुआ है, बट दे हैव नॉट जिंजर, ठीक है। और इसका इसका टेस्ट भी जिंजर जैसा है। और ये क्या चीज़ है? ये हमारा अपनी एक अलग से एक चटनी है जो कि हम डालते हैं इसमें, ठीक है। ये सारी चटनियाँ आपकी सीक्रेट है, ये किसी के पास से मिलेंगी पूरे कराची में? पूरे कराची में बिल्कुल, जो कि ऐसी बात है जो कि हमारा मिर्ची लिमका जो है, मतलब ये मिर्ची लिमका अगर मिलेगा भी है तो आपके पास आना है जी बिल्कुल इंशाल्लाह, ठीक है। और ये नॉर्मल मिंट है, बट ये है तो इसके अंदर वो क्या कहते हैं पुदीना है सही, बट ये हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें मिलाई हुई हैं जो कि मसाले कुछ ऐड करें इसके अंदर ना। आप पियेंगे तो आप खुद भी रिव्यू दीगा, ये पियेंगे अभी ठीक है। इसके अंदर हम 3 डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे 6। नाउ अब इसके अंदर आइस डालेंगे, ये सीरम तैयार हो गया, बर्फ डाल दी हमने। अच्छा, सोडा आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सोडा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सोडा हमारा अपना है, ये आपका अपना है। अच्छा, वो जो बोतल खुलती है हवा आती है? हाँ बिल्कुल आ सकती है,
इससे भी ज़्यादा आवाज़ आ सकती है, लेकिन सही अच्छी बात है किसी को लग ना जाए। जी बिल्कुल, थोड़ा सा मीडियम करके खोलते ताकि किसी का नुकसान ना होना, गाड़ियाँ वाड़ियों पे लगता है या कुछ, कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमें टाइम हो गया, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं करी है आज तक, ये सबसे अच्छी बात है। जी बिल्कुल, वो बंदे भी ठीक है जी, ये आ गया, ये आप लेमन स्लाइस ऐड कर रहे हैं। लेमन स्लाइसेस ऐड कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये हरी मिर्ची का क्या कॉन्सेप्ट है? ये हरी मिर्चों वाला ही लिमका है, तो ऑलरेडी जब जाहिर सी बात है इसके अंदर जो हम चीज़ें हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें इनके अंदर पुट करी है वो के पता तो चले कि यार इसका डेकोरेशन इसकी कैसे है, इसकी डेकोरेट कैसा है, थोड़ा डिस्प्ले भी होना चाहिए ना कि यार। ठीक है जी, नाउ इज रेडी टू सर्व। तो वेलकम बैक गाइस, और हमारे पास जो है हमारा दुबई अम्ब्रेला जो स्पेशल इनका फ्लेवर है वो इन्होंने बना के दे दिया। फ्लेवर का नाम नहीं बताया इन्होंने, आप ट्राई कीजिएगा। तो इन्होंने हमसे ये कहा है कि आप ये फ्लेवर खुद टेस्ट करके बताएं और आप बताइएगा कि ये फ्लेवर कैसा है, फिर हम जो है वो डिस्क्लोज़ करेंगे नाम इसका क्या है, तो टेस्ट करके बताते हैं आपको। इन्होंने 3 स्ट्रो लगा दिए हैं क्योंकि हमारे टीम मेम्बर्स 3 हैं, तो मैं 1 स्ट्रो यूज़ कर लेता हूँ, 2 इनके लिए छोड़ देता हूँ। समझ भाई बीच बीच में कुछ देते रहते हैं, हमें लेना पड़ता है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे को फाउंडर हैं, बल्कि फाउंडर हैं सॉरी। तो टेस्ट इसका बहुत ही रिफ्रेशिंग है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, जिसमें हमने सोडा ब्लास्ट दिखाया था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी आपको जो है हम इस वीडियो के एंड में दे देंगे। लेकिन जो ये है इसकी क्लास अलग है, और जो हमने सोडा ब्लास्ट बनाया था उसकी क्लास अलग है। ये समझ लें आप जब हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पर आते हैं और इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएँगे तो जाहिर सी बात है उसको हज़म करने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है, और ये नेचुरल है क्योंकि इसमें इन्होंने ज़्यादातर जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं की हैं। तो आप लोग लाजमी आएँ फैमिली के साथ इसको ट्राई करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगा, और इसका टेस्ट कैसा लगा हमें ये लाजमी बताइएगा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा, हमें फेसबुक पर आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करें, हमारे यूट्यूब के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा जो है आपका सपोर्ट मिलता है, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा, देखते रहिएगा कराची फूडीज़। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।